डायना एकटक नजर से लूसी को देख ही रही थी कि तभी उसे लूसी के पास कुछ दिखने लग जाता है और वो हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ा पड़ती है। ये लूसी के पास कैसे आया? ये तो महाडायन के पास था। लूसी युग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। लूसी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो युग की गोद में जाना चाहती थी, पर युग था कि वो लूसी की तरफ देख ही नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान चित्रा के शव की तरफ था। वो एकटक नजर से चित्रा के चेहरे को ही देख रहा था और उसे देखकर रोते जा रहा था। डायना अपने हाथों से इशारा करते हुए फिर लूसी को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, पर इस बार भी लूसी डायना के पास नहीं आती है। लूसी को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो डायना से नाराज थी। उसे भी ये बात पता थी कि डायना ने महाडायन को धोखा दिया था, उसका अधूरा काम पूरा नहीं किया था, इसी वजह से लूसी डायना के पास नहीं जा रही थी। जब लूसी डायना के पास नहीं आती है तो डायना खुद ही लूसी के पास चली जाती है। लूसी के गले में एक सोने की चेन थी। उसी सोने की चेन में एक सोने का गोलाकार लॉकेट था। लूसी के बाल काले होने के कारण वो सोने का गोल लॉकेट अलग ही सुनहरे रंग में उसके गले में चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, जिस कारण उस पर अलग ही सबकी नजर पड़ रही थी। डायना लूसी के पास जाकर उस लॉकेट की तरफ इशारा करते हुए सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित करते हुए बोल पड़ती है, ये लॉकेट तो महाडायन का है, ये मैंने हमेशा उन्हीं के गले में देखा था। यामिनी हैरानी के साथ बोल पड़ती है, क्या कहा डायना तुमने? ये महाडायन का है, फिर ये लूसी के गले में क्या कर रहा है? डायना भी परेशान होते हुए बोल पड़ती है, वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है यामिनी कि ये लॉकेट लूसी के गले में क्या कर रहा है। जितना मुझे पता है महाडायन कभी भी इस लॉकेट को अपने गले से नहीं उतारती थी, हमेशा अपने गले में पहने रहती थी। यामिनी पलट कर कहती है, अगर चित्रा आंटी कभी भी इस लॉकेट को अपने गले से नहीं उतारती थी तो फिर ये लूसी के गले में कैसे आया? यामिनी के सवाल का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं था, जिस कारण वहां पर खामोशी बनी रहती है। युग का तो इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं था, वो बस चित्रा के चेहरे को एकटक नजर से देखे जा रहा था। चित्रा को मरा हुआ देखकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। सदमा लगता भी कैसे नहीं, चित्रा आखिर उसकी माँ थी और एक बेटे के दिल में उसकी माँ के लिए नाराजगी हो सकती है पर नफरत कभी नहीं। और युग के दिल में भी कहीं ना कहीं चित्रा के लिए नाराजगी ही थी, नफरत नहीं। वो चित्रा जिससे युग को नाराजगी थी, उस चित्रा ने आज उसे बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। सिर्फ चित्रा इस संसार को छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि अपने साथ कई राज भी लेकर चली गई थी, जो राज सिर्फ उसे ही पता थे। लूसी के गले में जो लॉकेट था उसे उतारने के लिए डायना अपने हाथ आगे बढ़ाती हुई लूसी से कहती है, आओ लूसी मेरे पास आओ, अपनी डायना के पास। इतना कहकर डायना ने अपना हाथ लूसी के गले की तरफ बढ़ाया ही था कि उसी वक्त लूसी डायना के हाथ पर पंजा मार देती है। डायना दर्द से कराहते हुए कहती है, आह! लूसी का ऐसा बर्ताव देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लूसी डायना को इस तरह पंजा मारेगी। डायना परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाती है, ये लूसी को क्या हो गया, ये मुझे कैसे पंजा मार रही है? लूसी अभी भी डायना को गुस्से के साथ घूर रही थी, जैसे उसे डायना से नफरत हो। डायना फिर लूसी के गले से लॉकेट लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लगती है, पर लूसी फिर अपना पंजा ऊपर कर देती है। डायना अपना हाथ और आगे ले जाती, उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, रहने दो डायना, शायद लूसी नहीं चाहती कि उसके गले से कोई ये लॉकेट उतारे। डायना अभिमन्यु से पलट कर कहती है, पर अभी ये लॉकेट महाडायन का है, लूसी के गले में कैसे? अभिमन्यु डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, डायना मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, हो सकता है कि ये लॉकेट चित्रा आंटी ने ही लूसी को दिया हो, आखिर लूसी को भी तो चित्रा आंटी ने ही तुम्हें सौंपा था ना, हो सकता है उसी तरह उन्होंने ही लूसी को भी ये दिया हो। डायना को अभिमन्यु की बात ठीक लगने लग जाती है और वो अपने हाथ नीचे कर लेती है। जैसे ही डायना अपने हाथ नीचे करती है, लूसी खुद अपने पंजे से उस लॉकेट को अपने गले से उतारने लग जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लूसी उस लॉकेट को उतारती है और अपना पंजा युग की तरफ बढ़ाने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे लूसी वो लॉकेट युग को देना चाहती हो। युग कुछ नहीं करता है, वो बस एकटक नजर से लूसी को देखता रहता है। यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, युग बाबू ये लॉकेट ले लीजिए, शायद लूसी ये आपको देना चाहती है। युग धीरे से उस लॉकेट को लूसी से ले लेता है। जैसे ही युग उस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ता है, उसे चित्रा की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा मेरे युग। युग हड़बड़ाहट के साथ अपने आसपास देखने लग जाता है, पर उसके आसपास उसके दोस्तों के सिवा और कोई नहीं था। और रही चित्रा की बात, तो वो मर चुकी थी, जिसका शव युग के सामने ही था। यामिनी तुरंत युग से पूछती है, क्या हुआ युग बाबू,
युग कुछ जवाब नहीं देता है, उस सोने के लॉकेट को देखते रहता है। उस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़कर युग को ऐसा एहसास होने लग जाता है जैसे चित्रा उसके आसपास ही मौजूद हो, वो जिंदा हो। युग उस लॉकेट को बड़े गौर से देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उसके गोल लॉकेट पर पड़ती है। उस गोल लॉकेट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुलता हो। उस लॉकेट के नीचे ही एक बहुत छोटा सा बटन था। युग जैसे ही उस बटन को दबाता है, युग का अंदाजा एकदम सही निकलता है और वो लॉकेट खुल जाता है। जब वो लॉकेट खुलता है तो युग देखता है कि उस लॉकेट के अंदर दो तस्वीर थी, एक तरफ युग की और दूसरी तरफ चित्रा की। उन दोनों तस्वीर में उन दोनों के बस चेहरे नजर आ रहे थे। वो तस्वीर हाथ से बड़ी ही बारीकी के साथ बनाई गई थी। लॉकेट और वो तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि चित्रा ने खुद अपने हाथों से बनाया था। वो कैसे उन तस्वीरों को ना बनाती, आखिर वो एक पेंटर जो थी। डायना उस लॉकेट में बनी तस्वीर को देखते हुए कहती है, देखा युग, मैंने कहा था ना महाडायन तुमसे बहुत प्यार करती थी। इस लॉकेट के अंदर भी उन्होंने तुम्हारी ही तस्वीर बनाकर रखी है जिसे वो हमेशा अपने गले में पहना करती थी। तुम उनसे दूर रहकर भी हमेशा उनके पास ही थे। युग कुछ नहीं कहता है, बस उस लॉकेट के अंदर बनी अपनी और चित्रा की तस्वीर को देखते रहता है। युग नोटिस करता है कि उसकी जो तस्वीर थी उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरी हुई थी जो आंसू की बूंद की तरह लग रही थी, वो भी सिर्फ युग की तस्वीर पर। चित्रा की तस्वीर पर कोई पानी की बूंद नहीं थी। कायर अपनी आंखें मलते हुए कहता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि वो चित्रा आंटी जो एक चित्रकार थी वो एक डायन भी थी। सिर्फ डायन ही नहीं बल्कि महाडायन, और उन्होंने डायना को यहाँ पर भेजा था। कछुआ कुछ सोचते हुए बोल पड़ता है, चित्रा आंटी ने सिर्फ डायना को यहाँ पर नहीं भेजा था बल्कि कुछ कुछवा दौत्य को भी भेजा था वन्ना भाभी के लिए। कछुआ पुरानी बातें याद करवाते हुए कहता है, तुम सबको याद है जब हम हवेली में थे तो हमें कुछ कुछवा दौत्य दिखा था जो वन्ना भाभी के लिए आया था, और वन्ना भाभी काला झाड़ी जंगल की तरफ चलती थी। कायर कछुए की बात में हामी भरते हुए तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ याद है मुझे, और हमने वन्ना भाभी का पीछा भी किया था। कछुआ झट से बोल पड़ता है, उस वक्त तो हमारी समझ नहीं आया था कि चित्रा आंटी ने कैसे कुछ कुछवा दौत्य के जरिए वन्ना भाभी के लिए संदेश भेज दिया था, पर अब मेरे समझ में सब आ रहा है। वो महाडायन थी और डायनों को कुछ कुछवा दौत्य के जरिए संदेश भेजना अच्छे से आता है, इसी वजह से वो संदेश भेज पाई थी। कछुआ आगे की बात मायूसी के साथ कहता है, वन्ना भाभी से मिलकर चित्रा आंटी ने कहा भी था कि वो उस काले साए का अंत कर देगी, पर अंत करने से पहले ही। इतना कहकर कछुआ खुद चुप हो जाता है, वो अपनी बात पूरी नहीं करता है। अभिमन्यु नम लहजे के साथ कहता है, अगर चित्रा आंटी जिंदा होती तो शायद वो कैसे न कैसे करके उस काले साए का अंत कर भी देती, क्योंकि वो उस काले साए के बारे में सब कुछ जानती थी, शायद उन्हें पता था कि वो काला साया कौन है। कायर तुरंत अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है अभिमन्यु, तू कैसे कह सकता है कि चित्रा आंटी को पता था कि वो काला साया कौन है। अभिमन्यु कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि कायर तूने सुना नहीं डायना ने हमें क्या बताया था। चित्रा आंटी ने डायना को यहाँ पर आने से पहले ही आगाह कर दिया था कि ग्रेवयार्ड कोठी में एक खतरा है, और वो खतरा यक्षिणी नहीं है बल्कि कोई और ही है। यानी चित्रा आंटी डायना को जिस खतरे से आगाह कर रही थी वो काला साया था, और वो ये भी जानती थी कि वो काला साया कौन है। कायर पलट कर अभिमन्यु से पूछता है, तो फिर चित्रा आंटी ने डायना को बताया क्यों नहीं कि वो काला साया कौन है। अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, वही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही कि चित्रा आंटी ने डायना से इतनी सारी चीजें छुपा कर क्यों रखी। जब वो जानती थी कि बुरा वक्त आने वाला है तो उन्होंने उस बुरे वक्त के आने का इंतजार क्यों किया, उस बुरे वक्त को पनपने से पहले ही खत्म क्यों नहीं कर दिया। अभिमन्यु और कायर की बातें सुनकर डायना परेशान होने लग जाती है। डायना मन ही मन परेशान होते हुए कहती है, मैं क्या करूं, इन्हें वो वाली बात के बारे में बताऊं या नहीं बताऊं। डायना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। युग कायर और अभिमन्यु की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था, उसका ध्यान तो सिर्फ लॉकेट में बनी उसकी और चित्रा की तस्वीर पर था। वो उसे एकटक नजरों से देख ही रहा था कि तभी उसकी आंखें भी नम होने लग जाती हैं, और उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा टपकता है जो सीधे चित्रा की तस्वीर पर जाकर गिर जाता है। अब युग और चित्रा दोनों की तस्वीर पर आंसू की बूंद गिरी हुई थी। युग उस लॉकेट को बंद कर देता है। अभी युग ने उस लॉकेट को बंद ही किया था कि तभी उसे ऐसे लगता है जैसे वो लॉकेट धड़का हो दिल की तरह। युग तुरंत उस लॉकेट को वापस से खोल लेता है। जब युग उस लॉकेट को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर उसका जो आंसू टपका था वो उस लॉकेट के अंदर मौजूद आंसू से जा मिला था, और वो आंसू चमकने लग गया था। युग एकटक नजर से उस आंसू को देखने लग जाता है। डायना के मन में अभी भी अभिमन्यु और कायर की बातें ही चल रही थी।
डायना मन ही मन फैसला लेते हुए कहती है, नहीं मुझे अभी को वो बात बतानी होगी, यही सही मौका है वरना बहुत देर हो जाएगी। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, काश चित्रा आंटी किसी को तो उस काले साए के बारे में बताकर जाती कि वो कौन है। डायना अभिमन्यु की तरफ देखते हुए तुरंत उससे बोल पड़ती है, महाडायन ने उस काले साए के बारे में किसी को नहीं बताया तो क्या हुआ, पर मुझे पता है वो काला साया कौन है। जैसे ही डायना ये बात बोलती है सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, बस युग को छोड़कर। युग अभी भी एकटक नजरों से उस लॉकेट के अंदर ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे युग को उस लॉकेट के अंदर कुछ दिख रहा हो। अभिमन्यु तुरंत हड़बड़ाहट के साथ डायना से पूछ पड़ता है, क्या कहा डायना तुमने, तुम्हें पता है वो काला साया कौन है? डायना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ अभी मुझे पता है वो काला साया कौन है। यामिनी तुरंत डायना से पूछ पड़ती है, कौन है वो काला साया डायना? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।